हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले भारत भारती की किताब से जो पढ़ रहे हैं उनके चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 36 पे आपको मिल जाएगा जो चैप्टर है बीजगणित संबंधित सूत्रों का प्रयोग से। ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कहा गया है कि यदि 2x + y = 3 है और xy = 1 दिया गया है, तो अभी हमको क्या निकालना है 8x³ + y³ का मान। अब देखिए यहाँ पे जो ये सवाल है इसमें थोड़ा सा दो तरीके से लगाए जा सकते हैं, थोड़ा आसान भी तरीका भी यूज हो सकता है, थोड़ा मुश्किल तरीका भी यूज होता है। पर अपन पहले जो एक सूत्रों का प्रयोग तरीके से है उससे बात करेंगे, फिर इसके ट्रिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात तो ये चीज जो दिया गया है तो इसी से हमको घाते 3 निकालना है, तो हम इसी चीज को लिख लेंगे कि अपने पास 2x + y = 3 है तो दोनों पक्षों का अगर घन कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ये क्यूब वाली गिनती मिलने लगेगी। अब फॉर्मूला क्या होता है कि a+b³ = a³ + b³ + 3ab (a+b)। ये होता है। अब यहाँ पे होल क्यूब कर देते हैं तो यहाँ पे 2x का जब होल क्यूब करेंगे 2 × 4 = 8 बनेगा, उसको डायरेक्ट समझना है, ठीक है, टाइम नहीं लगाना है। प्लस यहाँ पे y³ हो जाएगा प्लस 3ab, a की जगह पे 2x रहेगा, b की जगह पे अपना y आ जाएगा और कोष्टक में a+b यानी कि 2x + y आ जाएगा और बराबर 3 × 9 = 27 इधर मिलता रहेगा। अभी आगे क्या होगा कि हमको दिखाई दे रहा है इतने चीज का तो मान निकालना था, तो हम इन चीज को ऐसे रख लेंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पे 3 × 2 = 6 बन जाएगा और xy का गुणा कितना हो रहा था 1 हो रहा था, तो उसके जगह पे हम 1 रख देंगे और इस पूरे की वैल्यू हमको क्या दी गई थी 3 दी गई थी, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे जो कि गुणे में ही रहेगा, बराबर 27 है। अब इसका मान निकालना है 9 + 18 को उधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा 27 - 18, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा 17 में से 8 घटाने पर क्या बचेगा, ये 9 बचेगा और 1 में 1 गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 8x³ + y³ = क्या मिला 9 मिल गया। तो ये हो गया सिंपल सा हल। अभी क्या है कि हम एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमको दिया गया है कि 2x + y = 3 और xy = 1, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि x बराबर भी 1 रहा होगा, y बराबर भी 1 रहा होगा, ताकि 1 × 1 = 1 हो रहा है, सही, और 2 × 2 और 1 यहाँ पर रहेगा, 2 × 1 = 3, सही हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब हम क्यूब करना चाहेंगे 8x³ + y³, ठीक है, ये क्या है ट्रिक मेथड है, तो इसका मान अगर हमको निकालना है तो हमको x और y का मान रख देना है सीधे सीधे। तो यहाँ पे 8 × 1³ + y की जगह पे 1, वो भी 1 ही रहेगा। अब 1 क्यों माना है, अंदाजा लगाया कि काम बन गया। कुछ सवाल में ऐसा काम नहीं बनता है तो उसको ऐसे ऊपर वाले मेथड से लगाते हैं, जिसमें काम बन जाता है तो इस मेथड से लगा लेते हैं। इसमें क्या करना रहेगा कि अब वो सोचना रहेगा, आप अगर आप ऐसे सोच पाते हैं, ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू ऐसे कुछ सोच पाते हैं, ठीक है, अगर सोच लिया तो तुरंत उत्तर मिल जाएगा। कैसे मिला, 8 × 8 = 1 / 3 = 1 ही रहेगा और 8 × 8 + 1 = 9, बहुत जल्दी मिल गया। तो अगर आप ऐसा सोच पाते हैं, आप सोच कैसे पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए और वीडियोस देखते रहिए, ट्रिक आपको मिलते रहेंगे, तो ऐसे में क्या होगा ये उत्तर मिल गया। तो दो तरीके हो गए इस सवाल को निकालने के। तो दूसरा तरीका जो ट्रिक मेथड है, ये कई बार काम आता है, कई बार नहीं भी आता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अभी तो हमने दोनों तरीके बता दिए, ये हर जगह काम आता है। सो ये हो चुका आपका सवाल।